stranger since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. साड़ी पहनने से पहले यारों, पहले आप ऐसी हील पहन लो जिससे आपकी जो साड़ी की फिटिंग है और लेंथ है काफ़ी अच्छी आए, फिर हम साड़ी को पेटीकोट में इन करना स्टार्ट कर लेते हैं। देख रहे हो ना, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, इसे मेरी साड़ी की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी आती है। पता है आपको, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी साड़ी कभी ऊँची हो सकती है या तो नीची हो सकती है, तो फिर वो अंदाज़ा नहीं मिलता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले हील डाल लेनी चाहिए। मैंने एक राउंड कुछ इस तरीके से अपनी साड़ी का ले लिया, इस तरीके से चारों तरफ से इन कर लिया है पेटीकोट में। अब मैं पता ही क्या करूँगी, अब मैं पहले पल्लू बनाऊँगी। पल्लू बनाने के लिए मैंने पल्लू को पीछे से लेकर के आई हूँ। यहाँ देखो, इस तरीके से पीछे से लेकर के आना है और आपको साइड में थोड़ा सा इस तरीके से साड़ी को टक कर लो, नहीं तो साड़ी गिरती रहेगी। और ये साड़ी जो है मेरी बहुत हैवी है, साड़ी में वेट नहीं है, इसका जो बॉर्डर है ना वो बहुत हैवी है, तो मुश्किल हो जाता है साड़ी को पहनना। यहाँ पर हम पल्लू की प्लीट्स बनानी स्टार्ट करते हैं। पल्लू की प्लीट्स का जो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पतला ही लिया है। मुझे थोड़ी इस साड़ी में ना पतला बॉर्डर ही अच्छा लगता है, पतला पल्लू ही अच्छा लगता है। अब देखो ना, मैंने जैसे ही पल्लू को पीछे से को आगे से खींचा प्लीट्स बनाने के लिए, एक साइड से निकल गई। तो ये इस जो इस तरीके की साड़ी होती है ना, उसमें बड़ी मुश्किल आती है इस तरीके से पहनने में। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पल्लू की सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेना, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने तो बेस बना ही लिया, उसके बाद से सारी प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज करते जाना है। और हम अरेंज करते हुए अपने जो साड़ी का पल्लू है उसको सेट करते हैं। और यहाँ पर देखो, फिर से मैंने पीछे से साड़ी ली और आगे बेली बटन के पास टक कर लिया है ताकि वो पीछे पैर में फंसे ना। और हम साड़ी की जो पल्लू है उसकी प्लीट्सों को फिर से अरेंज कर लेते हैं कुछ दूरी के बाद, जहाँ हमारी साड़ी जो पल्लू है उसको हम ब्लाउज टक करेंगे ना, तो वहाँ पर हम एक पिन लगा लेते हैं। इससे हमारी जो पल्लू है वो ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से हम रख लेते हैं रफली अपने शोल्डर पर। और इसके बाद से हम पता है क्या करते हैं कि साड़ी का जो पल्लू है उसकी प्लीट्सों को इस तरीके से अरेंज करते जाते हैं, क्योंकि मुझे आगे से थोड़ा सा दोनों बॉर्डर थोड़ा पास चाहिए, तो इसीलिए मैंने वहाँ से अंदर की तरफ पिन लगा लिया है। वो थोड़ी सी वीडियो नहीं बनी है, बट आपको इसी तरीके से अंदर की तरफ से पिन लगा लेना है सारी प्लीट्सों को अरेंज करते हुए। अब कमर की फिटिंग के लिए यहाँ देखो मैं कैसे कर रही हूँ। साइड से मैंने साड़ी को खींचा और थोड़ा सा अंदर की तरफ से ट्विस्ट कर दी गई। ऐसे ट्विस्ट करने से ना साइड की जो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, और जो ऐसी हैवी साड़ियाँ होती हैं उनमें तो मतलब गजब फिटिंग आती है इस तरीके से अगर आप पहनते हो साड़ी तो। और फिर हम प्लीट्स बनानी स्टार्ट करते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए आपको देखो, यहाँ से साड़ी को आगे की तरफ लेके आना है, लेफ्ट हैंड की तरफ बेली बटन होता है ना, उसे थोड़ा सा चार उंगल और उधर की तरफ जाना है। जब अगर आप इस तरीके से प्लीट्स बनानी स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट प्लीट मतलब आपको इतनी ही लेनी है, क्योंकि अंदर की जो प्लीट्स होती हैं ना वो थोड़ी छोटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी जो प्लीट्स हैं काफ़ी अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। और वन बाय वन सारी प्लीट्सों को इस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज करने के बाद से आपको सारी प्लीट्सों को फिर से मतलब इक्वल कर लेना है ना, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। तो आप इस तरीके से इक्वल कर लो और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है आपकी। देखो जैसे मैंने किया ना सारी प्लीट्सों को करके, अब हमें वहाँ पर इन करना है पेटीकोट में। और ये साड़ी की जो लेंथ है ना यार, बहुत बड़ी है, मतलब 6 फिट की भी अगर लेडीज़ होगी ना तो उसको भी आ जाएगी ये साड़ी, इतनी लंबी है ये, ऊपर से चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसकी। तो मैंने पेटीकोट में इन कर लिया प्लीट्स को। अब हमारा पल्लू तो पहले से ही बन के तैयार था, बस हमें क्या करना है, हमें ब्लाउज में अटैच कर देना है। और हमने पहले रफली पहले एक पिन लगाया था ना, ये प्लीट्स हमारी बनी रहें इसके लिए हमने यहाँ एक पिन लगाया था अंदर की तरफ से। तो उसको हम निकाल लेते हैं, और निकाल करके और फिर से, और आगे तो हमने दोनों बॉर्डर को लगा ही दिया था अच्छे से सेट करके, हमने पिन लगा ही दिया, उसको रहने देते हैं। जो पहले रफली लगाया था उसको निकाल के और उसी पिन को ब्लाउज में पल्लू को, जो साड़ी का पल्लू है उसके साथ अटैच कर देते हैं इस तरीके से इसे। और जब आप पल्लू को अटैच करते हो ना ब्लाउज के साथ, तो थोड़ा जो शोल्डर होता है थोड़ा उससे पीछे की तरफ अटैच करना, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर सेंटर प्लीट्स पर
आपको पिन से पिनअप कर लेना है, जिससे हमारी प्लीट्स जो है आगे की तरफ निकले ना, खुले ना, और डर भी नहीं रहता ना। और फिर एक ब्रॉच ले लो, या आप कुछ यहाँ पर जो साड़ी का जो ब्रॉच होता है, एक्सेसरीज होता है, वो लगा लो। हो गई साड़ी बंध के तैयार हो गई मेरी, देख सकते हो कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I see a plate on the